तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारेविद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, खेत वाली सोलर ऑनलाइन कैसे भरें, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि आप किस तरह खेत वाली सोलर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, खेत वाली जो सोलर है उसके फॉर्म कल यानी 23 तारीख को 11 बजे चालू हो गए थे और जब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, दिन में जो साइट थी वो कम काम कर रही थी लेकिन रात में अच्छे प्रकार से लगभग वह काम कर रही थी। जिसने भी सोलर अप्लाई कर ली है उसका ठीक है, लेकिन जिसकी बची हुई है वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दिया है वीडियो का, जिसके माध्यम से आप क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर लीजिए और आपको उसमें कंप्लीट डिटेल है कि आपको किस तरह अप्लाई करनी है, कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, मैं इसमें पहले नंबर का जो लिंक दूंगा उसमें आपको यह पता चलेगा कि आप सरल हरियाणा की आईडी कैसे बना सकते हैं, यानी सरल हरियाणा की साइट पर आपको आईडी बनानी पड़ेगी ये पहले आपकी, फिर आप वहां पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो नीचे वाली वीडियो आपको दूसरे नंबर वाली वीडियो मिलेगी वो सोलर अप्लाई की मिलेगी, यानी सोलर आपको कैसे अप्लाई करनी है। दोस्तों, मैंने पिछली बार वीडियो बना दी थी वही वीडियो इस बार है, क्योंकि साइट टाइम लगा रही है काम करने में, कुछ टाइम आपको लगेगा, आप चिंता नहीं करें, धीरे धीरे ही आप करें, क्योंकि दोस्तों तुरंत नहीं होगी, साइट धीरे धीरे चल रही है और तुरंत अपनी सोलर को अप्लाई करें। ऑनलाइन अगर फीस काट सकते हैं तो आप ऑनलाइन ही काट लें ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। तो दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपनी सोलर को ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, दोनों वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगी। पहले आपको अपनी आईडी बनानी होगी सरल हरियाणा की साइट पर और दूसरी जो आपको फिर क्या करना है, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है और आपको चले जाना है सरल हरियाणा की साइट पर अंदर और वहाँ से आपको सोलर जो वाटर पम्पिंग स्कीम है यानी आपकी जो SWPS की जो स्कीम है सोलर वाली, वो आप जो सोलर ट्यूबवेल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको उसकी कंप्लीट प्रोसेस करनी है, उस वीडियो में मैंने समझा दी है, यानी पहले आपको अपनी आईडी बनानी है सरल हरियाणा की साइट पर, अगर है तो ठीक है, आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। फिर आपको उस पहली वीडियो पर जाकर आईडी बना लेनी है सरल हरियाणा की, दूसरी वीडियो पर जाकर आपको आईडी बनाने के बाद लॉगिन करनी है और उस वीडियो को देखना है कि कैसे आपको सोलर वाली जो स्कीम है वो सिलेक्ट करनी है और उसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आपके पास आपकी जो फैमिली आईडी है वो होनी चाहिए, उसके अंदर आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपके पास, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, फीस काटना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी फीस काट सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन काटते हैं तो आपका काम जल्द हो जाएगा, इसलिए मैं ऑनलाइन की कह रहा हूँ, अगर आप काट सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऑफलाइन बैंक में जाकर उसे जमा करवा सकते हैं जो बैंक उसके अंदर दे रखा है। दोस्तों, फीस काटने के बाद लास्ट में जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, फीस काट देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे अटैच एन एक्सर पर जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वहां पर आपको फर्द और जो डिक्लेरेशन फॉर्म शुरुआत में आपको एक मिल जाएगा वो आपको प्रिंट कर लेना है, उसे भरकर वहां पर आपको अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद, सबमिट करने के बाद जो आपने फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन कटवाई है उसके आपको वर्चुअल जो आईडी है वो आपको लिखनी होगी, उसकी जो आपको कंप्लीट डिटेल फिल करनी होगी, इसके बाद आपको सबमिट करना होगा, तब आपका काम कंप्लीट होगा। जैसे ही आप अपनी आईडी को दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पहले ही ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ये स्कीम अप्लाई कर रखी है, इसका काम अभी तक पेंडिंग है, इसे आप कंप्लीट कीजिए, तो वहाँ पर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और अंदर जाकर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ से आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो दोनों आपको नीचे मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको सोलर से संबंधित कोई और समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।